हेलो फ्रेंड्स, कोटा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो छोले मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे, सवेरे में इनको बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक और तेज़पत्ता डाल के कुकर में छोले चढ़ा दिए हैं और 4-5 सीटी ले ली है। अभी देखिए छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो मैं आपको एक छोला अच्छे से दबा के दिखाती हूँ। अब मैंने सब्जी छोंकने के लिए यहाँ पर प्याज और टमाटर लिए हैं। तो एक प्याज लिया है, दो टमाटर और दो हरी मिर्च लिए। आज मैं छोले की सब्ज़ी और रोटी 20 मिनट में बना रही हूँ, मतलब मुझे 20 मिनट लगे हैं। तो मैंने किस तरह से जल्दी जल्दी आज का लंच बनाया, तो वही आपके साथ में छोटा सा कुकिंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे प्याज और हरी मिर्च कट हो चुके हैं। तो मैं गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दूँगी, मतलब गैस पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने ले लिया है चॉपर, चॉपर में मैं प्याज हरी मिर्ची और लहसुन को डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से बारीक बारीक कर लूँगी। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो कढ़ाई में मैं डाल दूँगी तेल। अब मैं कैमरे को कढ़ाई के पास ले जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना तेल लिया। तेल मैंने अंदाजे से ही लिया है, क्योंकि जल्दी थी तो मैंने चम्मच नहीं निकाली। और आज मैं रिफाइंड ऑयल में ही ये छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मैंने प्याज खोल के देखे तो प्याज अभी भी मोटे मोटे हैं, नहीं हुए बारीक। तो मैंने फिर दोबारा से इनको चॉप किया और अच्छे से हिला के दोबारा चॉप किया। तो ये देखिए प्याज हो चुके हैं, मतलब बारीक हो चुके हैं और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। अब तेल में डाल दूँगी जीरा हींग। अब प्याज और इसका हरी मिर्च का मैं तड़का लगाऊंगी। प्याज और हरी मिर्च जहाँ तक अच्छे से पकते हैं, मतलब ब्राउन होते हैं, वहाँ तक मैं काट लूँगी टमाटर। तो टमाटर को भी मैं चॉपर में ही करूँगी, और जहाँ तक हमारे प्याज और हरी मिर्ची होते हैं वहाँ तक हम टमाटर को चॉप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा समय बचेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे जल्दी में होते हैं, खाना बनाना पड़ता है, तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है कि सारी चीज़ों को एक साथ नहीं करते हैं। जैसे एक काम हो रहा है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर प्याज भी हो चुके हैं और टमाटर को मैं अच्छे से पीस रही हूँ। इसमें बीच बीच में हमें सभी काम देखना होता है, प्याज को भी चलाते जाना है। प्याज हो चुके हैं तो मैं प्याज में डाल दूँगी, कढ़ाई में डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो मैं अच्छे से चला के मिक्स कर लूँगी और 2-3 मिनट के लिए ढक दूँगी और फिर से चलाऊँगी और थोड़ा सा पानी मिला देंगे और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं छोले में, तो नमक हमें कम डालना है। और थोड़ी देर के लिए मसाले को ढक देंगे और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती भी कट कर ली है। जहाँ तक ये मसाला हो रहा है वहाँ तक समय का उपयोग कर लिया है मैंने। फिर से मसाले को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब मैं यहाँ पर ये दूध की मलाई लेके आई हूँ फ्रिज में से। मलाई में मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छा सा मसाले का क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब यहाँ पर जो छोले हैं, थोड़े से मैं छोले निकालूँगी 2-3 चम्मच, क्योंकि जो छोले की सब्ज़ी बनाते हैं तो सभी करते हैं ऐसा। इनको 2-3 चम्मच छोले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बारीक बारीक कर लेंगे इनको, ताकि हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी। अब जहाँ तक सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार होती है वहाँ तक मैं आटा लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। और बीच बीच में हमें
ग्रेवी को भी चलाते जाना है, वरना सब्जी की ग्रेवी जल जाएगी। तो पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पर आटा लग चुका है तो मैं गैस से तवा चढ़ा देती हूँ और हमारी ग्रेवी भी बनके तैयार हो गई है। तो मैं इसमें डाल दूँगी ये उबले हुए छोले, और जो छोले हमने मेस करे थे उन छोलों को भी मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे छोले और मसालों को। यह हमारी छोले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो थोड़ी देर के लिए हमें सब्जी को ढकना है। और ये देखें, आटे को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी क्योंकि हमें रोटी बनाना है। ये देखें हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। मैंने सब्जी में डाल दी है धनिया पत्ती, और इधर बन रही है रोटियाँ। ये रोटियाँ मैं मल्टीग्रेन आटे की बनाती हूँ। आपको मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि रोटी मैं मल्टीग्रेन आटे की ही बनाती हूँ, और मल्टीग्रेन आटे में मैं क्या क्या मिलाती हूँ ये भी मैंने वीडियो में शेयर कर रखा है, और मल्टीग्रेन आटा मैं कैसे तैयार करती हूँ सब मैंने वीडियो में बता रखा है। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और सच में ये खाना आज का लंच मैंने 20 मिनट में बनाकर तैयार कर लिया था। तो आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी छोले की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी और मैंने किस तरह से खाना बनाया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या क्या कमियां हैं मेरे ब्लॉग में। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जल्दी थी इसलिए मैं पूरी थाली लगा के भी नहीं बता पाई।